हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों मेरे पास इतने ज़्यादा DM आ रहे थे। जो टॉपिक आज लोग आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो खुद एक क्रिएटर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपका चैनल आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, फालतू चीज़ों में आप दिमाग लगाएंगे तो कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ यहाँ पर, कि सपोज अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद आप एक जैसे प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो ये जो है तरीका, तो दोस्तों ये एक तरीका बिल्कुल प्रॉपर वे नहीं है, जो कि एक तरह से देखा जाए इलीगल है ये, ठीक है, लीगल नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये YouTube की नज़र में आ गया तो आपका चैनल यहाँ पर सस्पेंड भी हो सकता है। तो दोस्तों उन्हीं सब बातों को लेकर मैं आज ये टॉपिक बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे बहुत सारे ऑडियंस हैं जो इस बात से परेशान है कि सर हमारा YouTube चैनल है, हम उसको कैसे ग्रो करें, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, हम अपने चैनल पर कैसे व्यूअर्स लाएं, हम अपने चैनल पर कैसे वॉच टाइम को इंक्रीज करें। क्योंकि दोस्तों मैं भी इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन दोस्तों बात ये है कि मेरा कुछ ना कुछ हद तक चैनल आगे बढ़ा है, मेरा चैनल मोनेटाइज है, ठीक है, भले ही व्यूज़ कम हो या सब्सक्राइबर कम हो वो मैटर नहीं करता है। आपकी ऑडियंस आपके चैनल पर है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली बात है। तो दोस्तों उस ऑडियंस को कैसे इकट्ठा करना है और कैसे आपको ऑडियंस को प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कराना है, वो सब बातों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको आगे वाले जो आने वाले दिन हैं जिनमें तो आप वीडियो अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ ऐसे ही यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड और टेक्निकल टिप्स से रिलेटेड वीडियोज आती रहती है। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, आपने मुझे देखते हैं और दोस्तों मोस्टली मुझे इंस्टाग्राम पर जितने भी यूजर्स के DM आते हैं मैं उनका वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बात ये है कि देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी का चैनल यहाँ पर बनाए हुए हैं। आपका टेक चैनल है, कुकिंग से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, या आपका DIY से रिलेटेड है, मतलब आप किस चीज़ का आपका चैनल है। और दोस्तों चैनल वही क्रिएट कीजिए, वही कैटेगरी क्रिएट कीजिए जिसमें आप परफेक्ट हो। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 10 वीडियो डालने के बाद आप बोर हो रहे हैं, आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचा है। दोस्तों आपको खुद टॉपिक बनाना आना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये देखना है YouTube पर जाकर कि इस टॉपिक से जो मेरा कैटेगरी का चैनल है, इस चैनल से रिलेटेड मेरे और चैनल जो चल रहे हैं कंपटीशन में, या जो बड़े बड़े चैनल हैं इससे रिलेटेड, उनको कैसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उस कंटेंट को फोकस रखना है और उससे रिलेटेड वीडियोज बनानी है। दोस्तों जो नया कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे तो दोस्तों आपकी ऑडियंस भी आपके पास रुकेगी। दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात निकल कर आती है दोस्तों कि आप लोग अपना चैनल शेयर कीजिए। देखिए स्टार्टिंग में शेयर करना ठीक है, लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज के आसपास हो जाए, वॉच टाइम इंक्रीज हो जाए, तो आपको शेयर नहीं करना है चैनल, ये चीज़ याद रखना है दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल रखना है, जब तक चैनल पर 60 से 70 वीडियो नहीं हो जाती हैं और आपको कंसिस्टेंसी यहाँ पर बना के रखनी है, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है, जिससे आपका चैनल यूट्यूब की नज़र पर आए और आपके चैनल को यहाँ पर इंक्रीज जो व्यूअर्स हैं वो इंक्रीज करें, सब्सक्राइबर जो इंक्रीज करें, और उससे क्या होने वाला है, आपका वॉच टाइम यहाँ पर इंक्रीज होगा ही होगा। और दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ी ताकत आपकी आज की डेट में मैं बता दूँ, वो है यूट्यूब शॉर्ट। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो वीडियो आपकी खुद की होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, अदरवाइज आपको मिलने वाला है कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल यहाँ पर खतरे में पड़ सकता है, और आपका चैनल चाहे भले ही वो कितना बड़ा भी बन जाए, लेकिन आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं हुआ तो आपका मेहनत, आपका चैनल सब बर्बाद है, आपकी वीडियो सब बर्बाद है, कोई मतलब की नहीं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है, ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं करना है जो किसी अदर चैनल की हो, जो नए अदर चैनल वाला बंदा डाल चुका हो अपने चैनल पर और आप उसकी वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो ये काम नहीं करना। देखिए दोस्तों ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो कि कोई नहीं बताता है आपको, और ऐसी गलती में आप फंस जाते हैं और आपको क्या करना रहता है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता लास्ट में, आपका जो पिन रहता है गूगल एडसेंस का वो भी नहीं आ पाता है, और आपकी जितनी भी मेहनत रहती है वो पानी में बह जाती है।
तो ऐसा काम नहीं करना है, अपन को प्रॉपरली वे में काम करना है, जो YouTube की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं अपने चैनल पर, तो आपकी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाकर आप अपने आप को मेंटेन करके चीज़ों में बहुत आगे बढ़ने लगेंगे। आपको खुद लगेगा कि यार मेरे इसमें 20 व्यूज़ आए थे, इसमें 50 व्यूज़ आए हैं, इसमें 100 व्यूज़ आए हैं, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार मेरे व्यूज़ तो इंक्रीज हो रहे हैं। और एक टाइम मैं बता रहा हूँ, मंथ में ऐसा भी टाइम आता है कि YouTube पर कुछ बग्स चलते हैं, उससे क्या होता है कि आपके किसी दिन व्यूज़ ही नहीं आएंगे। आप वीडियो अपलोड करेंगे और 3 से 4 व्यूज़ आ जाएंगे, बस आपको लगेगा यार ये क्या हुआ। और मैं बता रहा हूँ ये बग रहता है कम से कम 4 से 5 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा भी रह सकता है, उससे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये बग है। ऐसा नहीं है कि आपके चैनल में व्यूज़ ही नहीं आ रहे, वो एक बग है जो कि YouTube उसको सॉल्व कर देता है। लेकिन हर मंथ ऐसा देखने को मिलता है कि आपके व्यूज़ एकदम से इंक्रीज़ होते हैं, एकदम से डाउन भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, अपने आप को भी प्रिपेयर करके यहाँ पर YouTube चैनल पर आना है। YouTube प्लेटफॉर्म अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मेरे को भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। मैंने 2020 में चैनल बनाया था, मार्च में, 26 मार्च 2020 को, और आज जून यहाँ पर चल रही है, तो मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों फिर भी मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, और दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बस अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।